मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस पर मां गंगा का हुआ दुग्ध अभिषेक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 92वें जन्मदिवस पर त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में बुधवार को दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का पूजन व मां गंगा का 101 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। कार्यक्रम के नेतृत्व हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीत सिंह भोला ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। भोला ने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी हर कठिन समय में लोगों के साथ खड़ा है। हर साल की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पे विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह दशाश्वमेध घाट पे बटकों के साथ मां गंगा का पूजा अर्चन किया गया। साथ ही मां की चुनरी और 101 लीटर दूध से मां गंगा का दुर्गाभिषेक किया गया। इस मौके पे महानगर प्रभारी मनीष मिश्रा, अध्यक्ष अजय सिंह, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल, गप्पू सिंह, उमेश सिंह, दिनेश अग्रहरी, अमन अग्रहरी, सोनू बाबा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। दूध से अभिषेक और पूजन करने का कार्य हम सब ने किया है। वहाँ से योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के स्वास्थ्य उत्तम स्वास्थ्य की दीर्घायु की होने की कामना के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पूजा किया है। साथ ही साथ इसके बाद आज कई विविध कार्यक्रम हिंदा वाहिनी के द्वारा किया गया है। आज चुनरी भी चढ़ाया है आप लोगों ने जी, और क्या चुनरी के बाद यहाँ पे हम कमेश्वरा अस्पताल में बेहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का कार्यक्रम है। हर साल हिंदा वाहिनी बहुत ही धूमधाम से अपने पूज्य महाराज जी का जन्मदिन मनाता है जो है, और आज इसके बाद करीब 300 के ऊपर रक्तदाताओं के द्वारा जो है सच्ची रक्तदान किया जाए कमेश्वरा महिला चिकित्सालय। आज पर्यावरण दिवस भी है, लोगों से क्या अपील है? आज पर्यावरण को लेकर के जिस प्रकार से देश के अंदर हम सब देख रहे हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण दिवस से प्रारंभ करके प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाने का संकल्प ले जो है निश्चित सबके संकल्प से पर्यावरण और वातावरण और अच्छा होता है।